हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिनर्जी में डेक कैडेट, इंजन कैडेट एंड आपका जीपी रेटिंग, मतलब आपका ट्रेनी ओएस, ट्रेनी वाइपर एंड ट्रेनी जीएस एंड ट्रेनी ईटीओ, इनका सैलरी कितना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम जाते जाएंगे तो आपका सैलरी कितना होगा। देखिए, पहले बताऊँ कि सैलरी आपका, देखिए, डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, ठीक है। अगर आपका ओनरशिप कंपनी है तो उसमें आपका सैलरी ज़्यादा रहता है, और आपका मैनेजमेंट कंपनी है तो उसमें सैलरी थोड़ा सा कम रहता है। तो अब ओनरशिप कंपनी और मैनेजमेंट कंपनी मतलब क्या, ओनरशिप कंपनी मतलब जिस कंपनी का जहाज भी खुद का हो, ठीक है, मतलब जहाज भी खुद का, कंपनी भी खुद का, सब कुछ का ओनर एक ही कंपनी है, वो होगा आपका ओनरशिप कंपनी। जस्ट लाइक मस्क लाइन, एम ओएल, सब का ओनरशिप कंपनी। और आपका मैनेजमेंट कंपनी मतलब क्या, मतलब जिसके पास जहाज खुद का नहीं है बट दूसरे ओनर से जहाज लेके ये बस मैनेज करता है, ये हो गया आपका मैनेजमेंट कंपनी। तो सिनर्जी, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, ये सब आपका मैनेजमेंट कंपनी है। तो आपका अगर मस्क लाइन और एमओएल से अगर आप कंपेयर करेंगे इन सब कंपनी का, मतलब आपका सिनर्जी, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फिर आपका फ्लीट मैनेजमेंट, तो ये सब का सैलरी थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, बिकॉज ये सब मैनेजमेंट कंपनी है। तो सिनर्जी में अभी अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे कोई भी डेक कैरियर, इंजन कैरियर, ट्रेनी जीएस, ट्रेनी वाइपर, ट्रेनी ओएस, ट्रेनी ईटीओ, तो आपका सैलरी कितना रहता है। तो पहले बताऊँ कि आपका ट्रेनी वाइपर, ट्रेनी जीएस, डेक कैरियर, इंजन कैरियर, इनका जब फर्स्ट टाइम जाएंगे डाट पे तो आपका सैलरी रहता है $550, मतलब $550 पर मंथ, ठीक है। और इसमें से अगर आपका जहाज पे, अगर आपका इंटरनेट फ्री है तो फ्री है, अगर आपका इंटरनेट का कुछ चार्जेस लगता है तो फिर चार्जेस लगेगा, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है कि शिप टू शिप आपका वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी कैसे प्रोवाइडेड किया। सैलरी वैसा ही है $550, ठीक है। तो अगर आप डेक कैरेट या फिर इंजन कैरेट है तो आपके फर्स्ट मंथ के बाद आपका फिर सैलरी होगा $650, मतलब $650 पर मंथ अगर आप डेक कैरेट और इंजन कैरेट है। और अगर आप ट्रेनी यूएस, ट्रेनी वाइपर भी है तब भी आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आपका फिर सैलरी बढ़ेगा इतना ही, $100 बढ़ेगा, मतलब आपका भी हो जाएगा $650। और अगर आप ट्रेनी जीएस भी है उसके लिए भी सेम है, ठीक है, $550, फिर नेक्स्ट में $650, फिर आपका धीरे धीरे, फिर अगर मैं बताऊँ कि ट्रेनी यूएस, ट्रेनी जीएस और ट्रेनी वाइपर का सैलरी धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा, मतलब आप जैसे ओएस पे जाएंगे फिर आपका सैलरी बढ़ेगा थोड़ा सा, एबी बनेंगे फिर थोड़ा सा बढ़ेगा। बट अगर आप डेक कैरेट, इंजन कैरेट है और अगर आप मतलब आप सेकंड मेरिट या फिर आप क्लास 4 पास कर चुके हैं फिर उस टाइम पर आपका सैलरी फिर फटाक से बढ़ जाएगा, आपका फिर उस टाइम पर सैलरी हो जाएगा $2300 या फिर $2500 अप्रोक्सीमेट सिनर्जी में, ठीक है। और अगर आप ट्रेनी ईटीओ हैं तो ट्रेनी ईटीओ का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट एक सेलिंग में नहीं होता, आपको भी दो सेलिंग चाहिए होता है आपका सीओसी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेलिंग में भी आपको ऐसे 500 से 600 के बीच में सैलरी मिलता है, फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आपका फिर थोड़ा सा सैलरी बढ़ता है, $200-$300 बढ़ेगा। फिर आपके बजाय जैसे आपके पास सीओसी आ जाएगा फिर आपका भी सैलरी बढ़ जाएगा अराउंड $3000 के आसपास बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे आपका ईटीओ का मैक्सिमम सैलरी आपका जाता है $4500, मतलब $4500, मतलब अगर आपका मैं बताऊं कि इंडियन रुपीज में लगभग 3.5 लाख के आसपास। गाइस, मैं ये चीज बोलने के लिए वीडियो बनाया था, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल पे आता रहता है। तो आज मैं वीडियो खत्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।